खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवाड़ी। पेश है आज की हेडलाइन। तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 50 महिलाएं हुई घायल। हरसोली में प्याज बुआई के लिए जाते वक्त हुआ हादसा। वहीं रामगढ़ क्षेत्र में टायर बदलते हेल्पर को ट्रक ने कुचला। चाकू से गला काटकर युवक को किया लहू लुहान। किशनगढ़ बास के नूर नगर में हुई घटना। जन्माष्टमी पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा और मंदिर में हुई सजावट। वहीं नवजातों को जनाना अस्पताल में दिए खिलौने। और समाज कंटकों का अड्डा बना अंधेरे में डूबा कंपनी बाग। संबंधित निकायों ने मूंदी आंखें। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। हरसोली थाना क्षेत्र के कुमपुर गांव में तेज रफ्तार पिकअप करीब 3 पलटी खा गई। इसके चलते पिकअप में सवार करीब 50 महिलाओं को चोटें आई हैं। कुछ घायलों को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार खैरतल के वार्ड 6 खाती मोहल्ला निवासी करीब 50 महिलाएं प्याज की बुआई की मजदूरी के लिए जा रही थी, लेकिन चालक की लापरवाही के कारण पिकअप का संतुलन बिगड़ गया। वहीं घायल पिंकी ने बताया कि तेज आवाज में गाने बजाता ड्राइवर लापरवाही से पिकअप को तोड़ा रहा था, ऐसे में वाहन पलट गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों में कमला देवी सहित बबीता देवी, सावित्री और पिंकी आदि शामिल हैं। आगे से उसने ब्रेक नहीं लगाया और पलटी खा गई, 3 पलटी खाई है। ब्रेक फेल हो गया था, ब्रेक लगाया? ब्रेक लगाया नहीं उसने, वो गाना चला रहा था, गाना के धुन में था। हम कुमपुर से आगे जा रहे थे, खैरतल से। अच्छा, खैरतल से जा रहे थे आप। हाँ। कितने जगह के आसपास की घटना है ये? हरसोली से थोड़ी सी आगे है। टाइम कितना? टाइम नहीं पता। तो उस गाड़ी वाले कुछ स्पीड में ज्यादा था, स्पीड में ज्यादा था वो, तो उससे ब्रेक नहीं लग पाया। उसने गाना चला रखा, 50 महिलाएं थी उसमें, एक पुरुष था। तो गाड़ी जैसे पलटी है, कच्चे में उतरी जब पलटी। वो क्या ब्रेक उसने जानबूझ के नहीं लगाया या ब्रेक फेल हो गए? ब्रेक ब्रेक कुछ फेल नहीं हुए, गाने में था, मस्त था वो, गाने चल रहे थे। लापरवाही थी। गाड़ी ने कितनी बार पलटी खाई? 3 पलटी खाई। सभी महिलाओं को चोट आई? सब, सारी महिलाओं का ही। कुछ नहीं है या कुछ अलवर ही है? सारी अलवर आई है। चल अलवर, एम्बुलेंस भर के आई है, 3 बार आई है। ये पहले भी जाती थी क्या काम करने? प्यास में चौथा रोज आज। अच्छा, दिन था। हाँ, 3 दिन से कंटिन्यू जा रही थी। खैरतल के कौन से वार्ड से? 6 नंबर। वहीं खैरतल पुलिस के कुमपुर के पास हुए हादसे के घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई और शेष को कम चोटें आई। महिला कैला देवी ने बताया कि वे प्याज का बीज लगाने जा रही थी, इसी दौरान वाहन पलट गया। खैरतल थाना पुलिस ने बाद में वाहनों को थाने में लाकर खड़ा कर दिया। गाड़ी का ये पिक अप थी। अच्छा, कितने लोग थे? हाँ, 50-55 आदमी। कहाँ जा रहे थे ये? इधर हरसल से आगे जा रहे थे प्याज लगाने। हाँ, प्याज लगाने मजदूरी। हाँ जी। तो एक ही परिवार की महिला है, गांव की? पूरे एक गांव के हैं, परिवार भी एक ही है। देखी जाते हैं? हाँ, एक ही जाती है। तो आपकी खेत बड़ी बड़ी? हाँ जी, मैं भी तीन पिकअप पलटी है, सब शीशा फोड़ गए, ड्राइवर भी लिखा सब निकले हमारे वहाँ से। तो सब नीचे दब गए क्या? सब दबा भी है वो, सब गिर लग भी गए सबके। रोड पे भी गिरे, सड़क गड्ढा में भी गिरे। और वहीं रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम ओडला के पास टायर बदलते समय कैंट्रा के हेल्पर को ट्रक ने कुचल दिया। जानकारी के अनुसार बिहार के धनसोई थाना क्षेत्र का निवासी 18 वर्षीय अखिलेश कुमार करीब 3 माह से कैंट्रा ड्राइवर के साथ हेल्पर का काम कर रहा था। वह सोमवार तड़के 3:30 बजे ग्राम ओडला के पास कैंट्रा का टायर बदल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने अखिलेश को कुचल कर जान ले ली। अखिलेश अविवाहित था और उसकी एक बहन है। वहीं पिता मजदूरी करते हैं। पुलिस द्वारा मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है। वो पैर घस रहा था, आगे पीछे से गाड़ी गई, इधर से उससे टक्कर मारकर भाग गया।
टायर चेक कर रहा था। हाँ। जो भी जी वाला टक्कर। हाँ। किसका टायर चेक कर रहा था? गाड़ी का टायर चेक कर रहा था। जंपर का? हाँ, गाड़ी के जंपर का। क्या काम करता है इसमें? हेल्पर का काम करता है। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के ग्राम नूरनगर में आपसी झगड़े के दौरान एक युवक के गले पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान युवक को किशनगढ़ बास से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन गला ज्यादा कटने के चलते खून नहीं रुका और ऐसे में जख्मी रोहित जाट को जयपुर ले जाया गया है। युवक के पिता नंदू ने बताया कि उनका पुत्र चक्की पर आटा लेने गया था, इसी दौरान वहां एक युवक शराब पीकर आया और रोहित से उसका झगड़ा हो गया। इसके बाद युवक ने फनर वाले चाकू से रोहित का गला काट दिया। उधर किशनगढ़ बास पुलिस मौका मुआयने के साथ ही परिजनों की घटना की जानकारी दी। इसके अलावा फनर को बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर पुलिस फरार युवक की तलाश कर रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर सोमवार को यादव सभा शहर अलवर की ओर से भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। पुलिस लाइन के समीप स्थित यादव धर्मशाला राधा कृष्ण मंदिर से इस शोभा यात्रा को पूर्व मंत्री और बहरोड विधायक जसवंत सिंह यादव सहित पूर्व सांसद कर्ण सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाई। शोभा यात्रा में घोड़े पर ध्वजवाहक, पुलिस बैंड और डीजे सहित भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन को दर्शाती हुई विभिन्न झांकियां शामिल थी। वहीं 300 से अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस राधा कृष्ण मंदिर में पहुंची। पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव सहित यादव सभा अध्यक्ष सतपाल यादव ने आयोजन की जानकारी दी। ये झांकी गायत्री मंदिर के सामने राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर के अशोक टाकीज और त्रिपोलिया, होप सर्कस, घंटाघर, मनु मार्ग और वापस मोइना बाबा का चाऊ होती हुई और वापस राधा कृष्ण मंदिर आएगी। आज डॉक्टर जसवंत यादव जी पूर्व मंत्री और विधायक भैरोड, डॉक्टर कर्ण सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है महासभा यादव के, और हमारे फतेह सिंह जी और हमारे रामेश जी के श्रीमती शारदा यादव और हमारे मंजू यादव के। पुलिस बैंड की व्यवस्था की गई थी, दो बैंड और हैं, चाऊ है, डॉक्टरी मेडिकल टीम है और सारी व्यवस्थाएं अमूल चूल कर गई है। व्यापार संघ द्वारा होम सर्कस पे सारी झांकियों का स्वागत किया जाएगा। और वहीं जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को मंदिरों में सजावट एवं दर्शन का दौर चलता रहा, साथ ही मध्य रात्रि को होने वाले उत्सव की तैयारी की गई। इस दिन बहुत से श्रद्धालुओं ने व्रत भी रखा। वहीं महल चौक स्थित बनरूप बिहारी महाराज के मंदिर में सजावट की गई। मंदिर के महंत ने बताया कि सन 1812 में बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर की स्थापना हुई थी। उस समय तत्कालीन महाराजा विनय सिंह एवं रूप कंवर महारानी थी। दोनों के नाम पर मंदिर का नाम विनय रूप या वन रूप है। यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति काले पत्थर से एवं माता राधिका की मूर्ति अष्ट धातु से निर्मित है। ये वनरूप बिहारी जी महाराज का मंदिर है और रियासतकालीन ये मंदिर है। सन 1812 में बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर की स्थापना तत्कालीन महाराज विनय सिंह जी और रूप कंवर जी उस जमाने में महारानी थी, दोनों के नाम से ये मंदिर विख्यात है, वनरूप बिहारी जी महाराज। और ये अलवर राज परिवार के निजी मंदिरान में होने के कारण राज परिवार की सदैव इस मंदिर पे विशेष आस्था रही है और विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा भी कराई जाती रही है। भगवान की मूर्ति किस धातु से बनी है? भगवान प्रभु श्री कृष्ण की जो अचल प्रतिमाएं हैं वो तो काले पत्थर की पाषाण की बनी हुई है और जो राधिका मैया की जो प्रतिमा है वो अष्ट धातु के, और नीचे जो ठाकुर जी विराजमान हैं राधा कृष्ण जी वो चल प्रतिमाएं हैं, वो दोनों ही प्रतिमाएं अष्ट धातु की बनी हुई हैं। लगभग कितने साल पुरानी है ये? 1812 की स्थापना है तो करीबन 225 साल के आसपास ही होगा। आपका नाम? मेरा नाम पंडित गजेंद्र कटोरी वाला है और पांचवी पीढ़ी हमारी इस ठाकुर जी की सेवा करते हुए आ रहे हैं। अलवर राज परिवार के जो महाराज जयसिंह जी महाराज थे उन्होंने हमारे पूर्वजों को ये मंदिर प्रदान किया था, उस दर पीढ़ी यह व्यवस्था चलती आ रही है। सारी जो प्रन्यास अधिनियम के तहत हमारा पंजीकृत प्रन्यास है जिसमें एकल प्रन्यासी की ट्रस्ट की व्यवस्था है, जो पहले मेरे दादाजी पंडित योगेश चंद कटोरी वाले ट्रस्टी थे, उनके बाद मेरे पिता श्री स्वर्गीय देवेंद्र चंद कटोरी वाले ट्रस्टी थे, वर्तमान में मैं प्रभु की सेवा में हूँ ट्रस्ट। उधर अलवर के महल चौक के पास मथुराधीश मंदिर में भी मनमोहक सजावट हुई, यहाँ भक्त दर्शन के लिए पहुंचे।
वहीं सुभाष चौक स्थित डिस्पेंसरी के पास राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। यहां आरती, जागरण और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम रखे गए हैं। और वहीं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नेक कमाई समूह ने रविवार की रात 12 बजे बाद पैदा होने वाले बच्चों को उपहार प्रदान किए। इन बच्चों की माताओं को साड़ियां और नवजातों को कपड़े और कंबल सहित अन्य सामग्री दी गई। राजकीय महिला चिकित्सालय में हुए कार्यक्रम में सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट और खानचंद चिमनी बाई हजरती ट्रस्ट के सहयोग से किया गया, जबकि इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा रहे। साथ ही दौलत राम हजरती, मंजू चौधरी अग्रवाल, मीना तनेजा, सौरभ कालरा, तारीश जोरवाल और गुरुप्रीत सिंह आदि की उपस्थिति रही। 12 बजे बाद आज जन्म है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है उन सभी बच्चों को बच्चों के कपड़े, खिलौने, उसकी माँ के लिए साड़ी और जो परिवार में और उनके लिए कंबल, मिठाइयाँ, फल, यह सब का एक किट बना करके और दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है और सभी को जन्माष्टमी मुबारक हो। इसी तरह से जो एक शुरुआत की गई है अनवरत चलती रहे और आप सभी लोगों का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद और सहयोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गरीब बच्चियों की शादी करना, स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी देना, ड्रेस देना, जूते देना, आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर के उनको बिना बताए हम वहाँ बच्चों को ड्रेस पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं और शिक्षण सामग्री प्रदान करते हैं। उधर जन्माष्टमी पर्व पर अवकाश के चलते लोग सागर जलाशय मूसी महारानी की छतरी पर घूमने पहुंचे। यहां मौजूद भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सुहाने मौसम में वे भ्रमण के लिए यहां आए हैं। इसके अलावा मूसी महारानी की छतरी और सागर जलाशय में छोटे बच्चे नहाते भी दिखाई दिए। आज जन्मोत्सव है कृष्ण जी का, इसमें देख रहे हैं आप जैसा मौसम हो रहा है, काफी सुहाना मौसम हो रहा है, जैसे छोटे छोटे आसपास के बच्चे हैं ये सागर के जलाशय में नहाने आए हुए हैं और मौसम ने भी काफ़ी अच्छा रुख ले हुआ है और आप बाकी का देख ही सकते हैं, आसपास की हरियाली देख सकते हैं। काफ़ी सालों में सागर में पानी आया है, काफ़ी सालों में सागर में पानी आए हैं, बस दो तीन सिड्डियाँ ही बची हैं जो अभी तक भरी नहीं है, अभी आने वाली एक दो दिन के बारिशों में ये भी पूरी हो ही जाएगी, सागर की ऊपर भी लगी जाएगी। आप भी घूमने के लिए आए? बिल्कुल, हम भी ये घूमने के लिए आए हैं, मौसम के लुत्फ़ उठाने आए हैं। क्या नाम है आपका? अलवर का ऐतिहासिक पुरजन विहार यानी कि कंपनी बाग रात के वक्त अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ की लाइट्स पिछले 9 दिन से ठप पड़ी है और ऐसे में घूमने आने वाली महिलाओं सहित अन्य लोग भयभीत रहते हैं। शाम को उनके साथ कोई घटना भी हो सकती है क्योंकि अंधेरा होते ही असामाजिक तत्वों का घूमना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लूट आदि का डर बना रहता है। यहाँ मौजूद बुजुर्ग हरमीत सिंह ने बताया कि लाइट खराब होने से सुबह जल्दी और देर शाम के बाद घूमना मुश्किल हो गया है। यहाँ स्थित मंदिर में भी लोग आने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हाँ जी, लाइट का तो आपके इलेक्ट्रिशियन ही देखते होंगे, मैंने संतराम जी को भी कहा था, सुपरिटेंडेंट साहब है ना जो मीना जी, आयुक्त महोदय को भी मैसेज भेजा है और घनश्याम गुजर जी को भी भेज दिया जो हमारे महापौर हैं यहाँ के नगर निगम के, और हम कल दोनों मंत्रियों से भी वार्तालाप करेंगे और उनको अपनी इन समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे। और मैं मीडिया से हाथ जोड़ के ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सहायता करें, क्योंकि मीडिया जो चाहता है वो हो सकता है और आप चाहोगे तो यहाँ लाइट की व्यवस्था भी हो जाएगी, कुत्ते और बंदरों से भी हमें निजात मिल जाएगी। सुबह जो 5 बजे बुजुर्ग आते हैं वो नहीं आ पा रहे, अगर आप सुबह 5 बजे यहाँ आओ तो यहाँ सूनापन होता है, जहाँ यहाँ पहले रौनक होती थी 500 से 600 लोग जो सुबह यहाँ होते थे अब वो नहीं होते, अब वो सुबह जब सूरज की किरणें फूटती हैं तब वो आते हैं, उससे पहले वो नहीं आ पाते। और शाम को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, यहाँ कुर्सियों के पीछे आप समझ सकते हो इशारे में असामाजिक तत्व होते हैं, उन वो रहते हैं, तो यहाँ अगर संभ्रांत व्यक्ति यहाँ किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं आ सकता। उधर महिला अंजना यादव ने बताया कि पार्क में लाइट, सफाई और सुरक्षा का अभाव बना हुआ है। इसके अलावा आवारा जानवर घूमते रहते हैं, इसे लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों, नगर निगम आयुक्त और महापौर को भी अवगत करवाया जा चुका है। देखो, इतनी गंदगी रहती है इस पार्क के अंदर, ये जबकि अलवर का एक तरह से हार्ट है, मैं तो ये कहती हूँ। यहाँ पे आम आदमी मतलब आना की अब मना करता है कि भाई इतनी गंदगी में घूम के क्या करेंगे, जगह जगह डॉगीज की पॉटी वगैरह ये सब होता है, वो तो घूमने का मन नहीं करता। ये सबसे मेन समस्या है यहाँ की, सफाई नहीं है इस पार्क के अंदर बिल्कुल।
उसकी तरफ थोड़ा सा अंधेरा तो बता ही दिया इन्होंने, अंधेरा तो मेन प्रॉब्लम है ही इवनिंग में, बाकी सुबह भी हम आते हैं तो मॉर्निंग दोनों में। हाँ बात है, जल्दी सुबह अगर कोई घूमना चाहे तो उसके साथ अनहोनी भी हो सकती है देरी की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या अनहोनी हो सकती है? कुछ भी आजकल आप देख ही रहे हो, कितना मीडिया में देख रहे हो, अखबारों में देख रहे हो, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। राजगढ़ के मलखेड़ा बाजार में गोदाम का ताला तोड़कर चोर सामान पार करके ले गए। यह गोदाम एक जनरल स्टोर के पीछे स्थित है। जानकारी मिलने पर राजगढ़ थाना प्रभारी रामजीलाल मीणा मौके पर पहुंचे। उधर गोदाम संचालक गिरिराज मामोड़िया के अनुसार सुबह वे यहां पहुंचे तो ताला नदारद मिला। चोर यहां से बीड़ी के कार्टून सहित करीब 24,000 का सामान पार करके ले गए। मैं सुबह अपनी दुकान पे आया था और दुकान पे आके दुकान खोली और पीछे गोदाम पे देखने गया, माल क्या सामान आना था, सामान निकालना था, तो पीछे देखा कि गेट खुले हुए थे, ताला लगा हुआ नहीं था। और जब मैंने उसमें अंदर आके देखा तो उसमें मैंने स्पेशल का कार्टून लगाया था, वो स्पेशल का कार्टून ले गए। और फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस वाले आए, उन्होंने अपनी तहकीकात की और उन्होंने तहकीकात करके अपना करीब कितने का माल है 24,000 रुपये का कार्टून। उधर थाना प्रभारी के अनुसार घटना स्थल का जायजा लेने के साथ ही चोरों की तलाश की जा रही है। आज ये व्यापारी थे बालक थे, इनके गोदाम में किसी द्वारा ताला तोड़ कर और एक कार्टून बीड़ी का चोरी करने के लिए मुकदमा होने के मन में कुछ लोगों की यहाँ आवाजाही हुई है, उनको हमें यदि मन में जज्बा हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। रेवाड़ी के उत्तम नगर निवासी 11 साल की आराध्या इसी बात को चरितार्थ कर रही है। वह दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई तक साइकिल यात्रा पर है। वहीं इस बालिका का मकसद माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनना है। रविवार देर शाम साइकिल से अलवर पहुंची आराध्या ने बताया कि मुंबई तक साइकिल यात्रा में रोजाना करीब 150 किलोमीटर चलने का संकल्प है। इसके बाद मार्च में माउंट एवरेस्ट पर जाने की योजना है। चले थे इंडिया गेट से और अभी 200 किलोमीटर तो हो गया होगा और मुंबई तक जाना है साइकिल पे। उसके बाद मार्च में माउंट एवरेस्ट समिट पर जाना है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने। उधर इस बालिका के साथ इनकी मां निशा दूसरे वाहन से चल रही हैं। उन्होंने बताया कि वह अलवर के शिवाजी पार्क के रहने वाली हैं। निशा पहले साइकिलिंग करती थी और अपने भाई के साथ वे भी माउंट एवरेस्ट पर जा चुकी हैं। इसके अलावा साइकिल यात्रा के जरिए पौधरोपण का संदेश दिया जा रहा है। जी सर, पर डे साइकिलिंग का सर ऐसा है 100-130 का लेके चलते हैं रेशो, कि इतना तो बच्चा कर ही लेगा, लेकिन वो है थोड़ा थोड़ा बीच में गैप दिलवाना पड़ता है और थोड़ा रुकना पड़ता है। और जो स्मॉल टाउन्स हैं हम उनको ब्रेक कर रहे हैं, हम उनमें मतलब कोई प्लांटेशन नहीं है, और जो बिगेस्ट सिटी आती जाती हैं हम उनमें प्लांटेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका परिवार आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है इन चीज़ों में, और आप एक माँ होने के बाद बच्ची के साथ लगातार बने हुए हो? जी सर जी सर, फैमिली है वो सपोर्ट कर रही है, थोड़ा सा अगेंस्ट है कि भाई ये चीज़ें अकेले कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो, बाकी वही है कि बच्चे में लगन है तो माँ अपने आप आगे बढ़ती है और अपने आप करेगी, और फैमिली भी है, जब बच्चा कर रहा है तो फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। तो इसकी युवा और बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? कि बच्चा अगर ठान ले तो पेरेंट्स उनका साथ दें तो बच्चा क्या नहीं कर सकता, किसी भी अचीवमेंट को हासिल कर सकता है और बहुत सारे रिकॉर्ड जो है हमारे इंडिया के नाम कर सकते हैं। अलवर जेल में पुनर्वासित बर्मा के 5 नागरिक 4 दिन से भूख हड़ताल पर थे, लेकिन उन्होंने रविवार शाम डिटेंशन सेंटर के कांस्टेबल वीरेंद्र की समझाइश के बाद अनशन तोड़ दिया। म्यांमार यानी बर्मा के 5 नागरिक वतन वापसी की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। तबीयत बिगड़ने पर इन विदेशी नागरिकों वली अहमद, अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल इमरान और मोहम्मद इमरान को जिला अस्पताल लाया गया था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी पर मंगलवार को घरों में गोगा बाबा की जोत देखी जाएगी, साथ ही पकवानों का भोग लगाकर सुख समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना की जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदश शर्मा के अनुसार जाहरवीर देव को सर्पों का देवता भी कहा जाता है। वहीं 27 अगस्त को इन मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में महोत्सव मनाया जाएगा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की नवमी पर कल
27 अगस्त मंगलवार को घरों में खीर, पूरी, पुए आदि पकवान और व्यंजन बनाकर के गोगा बाबा की जोत देख करके सुख समृद्धि, खुशहाली, धन ऐश्वर्य व पुत्र पोत्रादि की दीर्घायु की कामना की जाएगी। शास्त्रोक्त इस दिन झारवीय बाबा का जन्मोत्सव भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गोगा देव को सर्पों का देवता भी कहा जाता है और यह भी मान्यता है कि गोगा बाबा की जोत देखने से सर्प देवता श्रद्धालुओं की पीड़ा से मुक्ति प्रदान करते हैं। कल ही 27 अगस्त मंगलवार को मंदिरों में नंद महोत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी से अगले दिन मनाया जाने वाला नंद महोत्सव भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मंदिरों में बधाइयों का तांता लगता है और महिलाएं सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और ऐसे ही दे दे मैया यशोदा बधाई, दे दे तेरी गोदी में आयो लाल मैया, दे दे बधाई आदि मांगलिक कार्यों के साथ ही बड़े ही धार्मिक रूप से बड़े श्रद्धा के साथ महिलाओं द्वारा मांगलिक गीत गा करके नंद महोत्सव का यह पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में भाद्रपद मास कृष्ण पक्षी नवमी को गोगा बाबा की जोत और मंदिरों में जन्मोत्सव मनाने के कारण ही इस दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रशासन खेल सप्ताह मना रहा है। इसकी शुरुआत सोमवार को कंपनी बाग से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक जागरूकता रैली निकाल कर की गई। इसमें करीब 200 युवाओं ने भाग लिया। ये रैली खेल अधिकारी अंजना शर्मा, शिक्षा अधिकारी नेकी राम और एडीएम सिटी की मौजूदगी में निकाली गई। खेल अधिकारी अंजना शर्मा सहित हॉकी प्रशिक्षक शिव कुमार सैनी के अनुसार इस सप्ताह के जरिए बच्चों और बड़ों को खेल के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, काफी बच्चे अपने को, और सबसे अच्छी बात यह है कि खेलों को बढ़ावा मिलता है, खेलों को ज्ञान पता चलता है कि हम खेल में भी अपनी दुनिया है, हमारी कैरियर है, हम लोगों को जो है आगे जाके ये सब चीजें खेल मिल सकते हैं, इन इन में फोकस है, वो फिट रहेगा तो सभी हिट रहेंगे। आज ये है कि आज हमारी जो ओपनिंग है इसकी, 26 तारीख से 31 तारीख तक अब अपना खेल दिवस मनाया जाएगा। स्कूलों से लेके हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, खेल में, प्रत्येक क्षेत्र में आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमसे जुड़े, खेले और उसका फिट इंडिया का मैसेज जाए, अपने आप को स्वस्थ रखें, साथ साथ अपने आप को खेल से जोड़े। आज खेल सप्ताह का आगाज किया गया है। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके आगाज आज सप्ताह भर खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे, उसकी आज शुरुआत की गई है। ये कंपनी बाग से और इंदिरा गांधी स्टेडियम तक ये रैली है। पूर्व सांसद और तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने अलवर शहर के असनखा मेवात नगर स्थित बाबा मस्तनाथ जैन सेवनम भवन में आमजन से मुलाकात की। उन्होंने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी, साथ ही कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म पर्व बुराई के अंधकार पर सत्य रूपी प्रकाश की विजय दर्शाता है। उन्होंने सनातन धर्म विरोधी विध्वंसकारी शक्तियों का जवाब देने का आह्वान किया। अलवर के गायत्री मंदिर में सोमवार को गायत्री परिवार की युवा इकाई दिव्य भारत युवा संघ का कार्यालय आरंभ हुआ। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं मुख्य ट्रस्टी सरोज गुप्ता सहित गायत्री परिवार से जुड़े पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। गायत्री परिवार के सदस्य मुकेश गुप्ता ने बताया कि युवा प्रकोष्ठ के रूप में यह इकाई पिछले 20 वर्षों से गायत्री परिवार के विचारों को पहुंचा रही है। इसके अलावा युवाओं में सच्चरित्र और राष्ट्रीय एकता के प्रति भावना के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। करीब 20 वर्षों से अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा इकाई युवा प्रकोष्ठ के रूप में पूरे जिले भर में सदविचार को पहुंचाने का कार्य कर रही है। साथ ही युवाओं में सदविचार, सत्चिंतन और सच्चरित्र की भावना पैदा हुए, राष्ट्रीय एकता के प्रति वो जागृत हों और हमारी संस्कृति को अंगीकार करें, इस बात के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। यह जो दिया आंदोलन है युवाओं का, जो स्कूलों में, कॉलेजेस में और कॉरपोरेट जगत के जो युवा हैं उनको अपने भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने का इसमें प्रयास किया जाता है। साथ ही हमारे जो सात आंदोलन है, जो गायत्री वर्ग की जो मूल रीढ़ की हड्डी है, जिसमें साधना है, शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य,
पर्यावरण, जल संरक्षण, नारी जागरण तथा नशा एवं कुरूति उन्मूलन के ये हम जा जाकर पूरे जिले में तहसीलों में हम युवा जागरण कार्य करते हैं। ये कार्य जब खुल जाएगा तो और भी हम अधिक सक्रियता से गायत्री पवार के कार्यों को जन जन तक पहुँचा सकेंगे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कार्मिकों को आरएसएस की सदस्यता लेने की छूट का स्वागत किया है। वर्मा के अनुसार कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल भी हो सकेंगे। जिला उपाध्यक्ष ने कर्मचारियों से इस दिशा में अपील भी की है। सर, ये आरएसएस को आप पता नहीं क्यों राहुल गांधी जी भी आरएसएस के नाम चिढ़ते हैं, कांग्रेस वाले चिढ़ते हैं। आरएसएस को आतंकवादी संगठन है क्या यार? हम किसी सामाजिक कार्यक्रम में शरीक होते हैं, हम किसी ब्याह शादी में शरीक होते हैं, वो भी हमारे, ये एक सामाजिक संगठन है, एक तरह से विचारधारा है। देश के अंदर अच्छे संस्कारों को करना, सनातन धर्म को लेकर चलने की पालना करना, सबको साथ लेके काम करने वाला, वही तो एक आरएसएस है। वो कोई ऐसा तो नहीं को आतंकवादी संगठन है, वहां आरएसएस आरएस आदमी नहीं जाएगा, कलेक्टर नहीं जाएगा, तहसीलदार नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार ने इस बात को इसलिए क्या है कि जो जनता के विकास और गांव के विकास और व्यक्ति के विकास की बात करने वाले व्यक्ति जहां समुदाय में रहते हैं, वहां जाके कोई बात रखनी है तो कर्मचारी को जाना चाहिए और उस संगठन में काम करना चाहिए, वो गलत नहीं मेरे हिसाब से। सर, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो इस तरह के सहयोगी संगठन है आरएसएस, उनको अधिकारी कर्मचारी को शामिल होने की छूट देगी। अब सवाल ये पैदा होता है, कल को अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है जी, तो वो भी इस तरह से अपने सहयोगी जो संगठन है उनको भी परमिशन दे देगी अधिकारी कर्मचारियों को? नहीं, कांग्रेस का कौन संगठन सहयोगी संगठन है? सर, बहुत सारे हैं, सेवा दल है, तमाम है। तो सेवा दल में सेवा दल सहयोग करता है ना सर ना, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी आएगी कभी राज में, वो अपने कर देगी। तो ये कर्मचारी जो सारे बट जाएंगे, कोई बीजेपी समर्थक हो जाएगा, कोई कांग्रेस समर्थक हो जाएगा, कोई कम्युनिस्ट समर्थक हो जाएगा, कोई सपा बसपा का समर्थक हो जाएगा, तो ये कर्मचारियों का एक जो एकता का स्वरूप है ये बिगड़ जाएगा। इससे बहुत गलत संदेश जाएगा और कर्मचारी जब आपस में गुटबाजी कर लेंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, कर्मचारी कभी किसी सरकार के नहीं होते, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। जिसकी सरकार बनती कर्मचारी उसी के गुणगान करता है, पहली बात। और रही आप आरएसएस की और सेवा दल की बात कर रहे हैं, सेवा दल भी कांग्रेस का संगठन है और उसको कांग्रेस की विचारधारा का काम कर रहा है, कांग्रेस के सहयोग से वो काम करता है, अच्छा संगठन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ सेवा दल और आरएसएस को मत जोड़िए। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है सर, आरएसएस एक विचारधारा है, देश की लिए क्रोध करना, देश का विकास कैसे हो, देश में शांति कैसे हो, सनातन धर्म का बचाव कैसे हो, वो हमारी हिंदू संस्कृति को लेके और आम जनता के साथ एक विचारधारा का तालमेल करने वाला संस्था है, संगठन है। उसमें अगर कोई कार्यकर्ता जाता है तो कोई मेरे मन से कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे लोगों के साथ बैठना कोई बुरी बात नहीं सर। क्या आप इस निर्णय का स्वागत करते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूं कि हर कर्मचारी को आरएसएस की विचारधारा के अंदर काम करना चाहिए। आरएसएस मानवतावाद और एक अच्छे संस्कार को नींव देने वाला संगठन है, उसमें साथ रहना चाहिए। भाजपा के अम्बेडकर नगर स्थित कार्यालय पर सदस्यता अभियान को लेकर विभिन्न मंडलों की कार्यशाला संपन्न हुई। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि कार्यशाला में शिवाजी मंडल और केशव मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य दिया गया है। सर, भारतीय जनता पार्टी की अलवर शहर विधानसभा के मंडलों की सदस्यता को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई, क्या दिशा निर्देश दिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर शिवाजी मंडल की और केशव मंडल की कार्य समिति कार्यशाला की गई थी। इसमें हमने सभी बूथ अध्यक्षों तक 200 व्यक्तियों का टारगेट दिया है कि 1 तारीख से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। उसके बाद एक नंबर हम दिए गए सभी बूथों पर, उस नंबर पर मिस कॉल मारा जाएगा और उस पर फिर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर उनको भरना है कि आपने कितने कितने लोगों को सदस्य बनाया है। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं बताना चाहूँगा, कल भी कहा था मैंने आपसे कि राजस्थान में पिछली बार भी अलवर नंबर 1 पे था और अब की बार भी अलवर नंबर 1 पे रहेगा। सर, वोटिंग सदस्यता कितने प्रकार से कार्यकर्ता ले सकते हैं? देखिए, इसमें आप अपने मोबाइल से जब मिस कॉल मारोगे तो वहाँ लिंक आएगा, तो एक कार्यकर्ता को अपने एक घर में जिनके भी हैं उनको सब कुछ 5 हैं 10 हैं उनको जोड़ सकते हैं, एक ही मोबाइल से जोड़ सकते हैं। और बाई दे वे कोई व्यक्ति कार्यकर्ता और नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो उसको ऑफलाइन एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को वो जिला कार्यालय पर जमा कराएगा और फिर वो फॉर्म प्रदेश कार्यालय भेजेंगे तो उसको ऑनलाइन कर देंगे। एक तो ये हुआ, एक कई बार व्यक्ति होते हैं यार मिस कॉल नहीं मारे तो उनको वेबसाइट दी गई है, उस साइट पर जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। 3 प्रकार का हमारा कार्य है और ये सभी मंडलों पर कार्यक्रम चल रहा है पूरे राजस्थान में।
उधर केशव मंडल अध्यक्ष राजू सैनी ने बताया कि 1 सितंबर से भाजपा के सदस्य बनाने का कार्य शुरू होगा। श्री केशव मंडल, श्री राजेंद्र कुमार सैनी मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज ये सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित की जा रही है और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कम से कम एक बूथ पे 200 लोगों को, कम से कम 200 से तो है ही, बाकी 200 से ज़्यादा लोगों को हमें सदस्यता दिलाने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय निर्देशित किए। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंडलों की कार्यशालाएं की जा रही हैं। इसके बाद 28 से 31 अगस्त तक बूथ स्तरीय वर्कशॉप होगी। वहीं 1 सितंबर से 3 चरणों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सर, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, पार्टी के जिलाध्यक्ष कौन कौन से मंडल में हो चुका है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रगति है? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान, इसकी कार्यशाला 20 को प्रदेश कार्यालय में हुई थी, प्रदेश में हुई थी, उसके बाद में 23 को जिले में हुई है, जिले के बाद में अब मंडलों की चल रही है। 25, 26 और 27 तारीख को मंडलों की कार्यशालाएं कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में 31 तक हमें बूथों पर कार्यशाला करनी है, ये 31 तक हमारा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद 1 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बनेंगे। उसके बाद में फिर सदस्यता का जो हमारा नंबर है 8800002024, ये चालू हो जाएगा और इसके बाद में सदस्यता अभियान चालू हो जाएगा हमारा। और प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का हमें लक्ष्य मिला है, इससे ज़्यादा हम सदस्य बनाएंगे। धन्यवाद। सर, आपको जो कब तक, कितने समय तक ये सदस्यता अभियान चलाया जाएगा सारे मंडलों में? पहले चरण में सदस्यता अभियान तो अब चल ही रहा है ना, पहले चरण में हम सदस्य बनाएंगे, उसके बाद में दूसरा चरण होगा और तीसरे चरण में हमें सक्रिय सदस्य मिलेंगे। अलवर जिले के रैणी थाना अंतर्गत ग्राम आकोदा में हुए झगड़े में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजन पप्पू खान ने घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही बताया कि गंभीर हालत के चलते रैणी से अलवर रेफर किया गया है। उधर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपसी क्या सुनी हुई है वैसे आज तो? किसने मारा इनको? निद्रू ने और मिर्चू ने, सब घर काम के दिए, लाठी के दिए, लाठी सुध मारा है और एक के फर्चो दिए, बोटिया के यहाँ दिए लगी आगे, वो घर पे रैणी में अस्पताल में भर्ती है। कितने लोग घायल हुए? 4। क्या नाम है इनके? इसका नाम तो अब्दुल गनी है, उसका नाम समीना है, एक का नाम बस्ता है, एक गोलू है, बच्ची है 14-15 साल की। यहाँ पे कौन भर्ती है? हाँ, रैणी में भर्ती है। यहाँ पे कौन भर्ती है? यहाँ पे ये इमू, ये अब्दुल गनी है भर्ती। कर्मचारियों के लिए केंद्र ने पेंशन के रूप में UPS स्कीम लागू की है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी ने इस योजना को कर्मचारी विरोधी बताया। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार सरकार कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की तो शुरू से कर्मचारी विरोधी रही है और आगे भी रहेगी। इन कर्मचारियों को पता नहीं क्या हो गया है, फिर भी बीजेपी के गीत गाते हैं। अब OPS गहलोत जी ने लागू करी थी, इनको OPS ना UPS कर दी, इसमें ये संशोधन कर दिया, वो संशोधन। भाई, किसी को लाभ दो, किसी की मदद करो तो पूरी करो। OPS से बढ़िया कोई स्कीम नहीं थी पेंशन की, और OPS लागू होने से ही कर्मचारियों को भविष्य सुरक्षित रहेगा। UPS तो केवल इनको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं और इसको भी देख लेना, लागू नहीं कर पाएंगे। सर, 2025 से लागू करने की बात कर रहे हैं। कब मरी सासू, कब आए आंसू? 2025 में अभी तो 4 महीने तो 25 को आने में ही घट रहे हैं। उसमें फिर कहेंगे मार्च के बाद करेंगे तो 7 महीने हो गए। फिर कहते हैं साहब वो तो गलती से बोल दिया, कोई चुनावी जुमला था क्या था, और ऐसा नहीं होगा, इनकी आदत है कहना। उधर कार्मिकों को RSS के कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी। मिश्रा के अनुसार करीब 4 साल बाद केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब ऐसे कार्मिकों को मुश्किल होगी जो भाजपा के कहने से RSS में शामिल होंगे। सर, ये कर्मचारियों को OPS देने की बजाय RSS में भर्ती करने का एक प्रस्ताव दे रहे हैं। हाँ, ये सही है, RSS में भर्ती करके इनकी तनख्वाह RSS से दिलवा दे, सरकार को चूना क्यों लगा रहे हैं? जब आप RSS को कर्मचारियों को भर्ती कर रहे हैं तो फिर सरकार को फायदा हो जाएगा,
इनकी तनख्वाह आरएसएस ही देते, फालतू की बात करते हैं। आप कर्मचारियों को अधिकारियों को राजनीतिक मंचों से जोड़ोगे फिर देश में प्रजातंत्र कहाँ बचेगा। अभी थोड़ी बहुत शर्म तो है, अभी तो कर्मचारी कहता साहब मैं सरकारी कर्मचारी हूँ साहब, मैं राजनीतिक गतियों में भाग नहीं लेता। और आरएसएस में विधिवत ज्वाइन कराने के बाद तो कहते हाँ हाँ आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का राज है, हमारा कोई क्या बिगाड़ने का नहीं करता काम, कर्मचारी निरंकुश हो जाएंगे। लेकिन कर्मचारी भाइयों से मैं निवेदन कर देना चाहूँ सोच समझ के भर्ती हो। 4 साल बाद राजस्थान में हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज बनने जा रहा है, फिर छोड़ छोड़ के मत भागना। जिला कांग्रेस कमेटी ने अलवर जिले में अराजकता के माहौल के आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार कुछ अरसे पूर्व भाजपा से जुड़े यासीन खान की हत्या की गई थी, लेकिन अब तक 15 में से 5 आरोपी ही गिरफ्तार हुए हैं। कांग्रेस ने भिवाड़ी के सारे कला गांव में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप के संचालन को लेकर राज्य सरकार पर विफलता का आरोप भी लगाया है। अभी 6 दिन पहले भिवाड़ी के जंगलों में आतंकी अड्डे मिले, 6-6 आतंकवादियों को राजस्थान पुलिस ने नहीं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप देखिए राजस्थान में आतंकी अड्डे खुल रहे हैं, राजस्थान की सरकार को राजस्थान की पुलिस को भिवाड़ी की पुलिस को पता ही नहीं है कि यहाँ इतने बड़ा आतंकी अड्डा खुल रहा है, आतंकियों को वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बन रहा बताया। तो दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देता हूँ मैं कि उसने आकर के उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। कोई भी बड़ी घटना कर सकते थे, NCR के नज़दीक वो लोग, दिल्ली के नज़दीक वो है, राजस्थान में काम हो रहा है, हरियाणा की बॉर्डर पे है, हरियाणा में चुनाव है आने वाले समय में। लेटेस्ट घटना 72 घंटे होने को है, भिवाड़ी में बाहर से बदमाश आते हैं, सरेआम गोली चलाते हैं, ज्वेलर की दुकान पे लूटपाट करते हैं, और अगर वो ज्वेलर अपना बचाव के लिए विरोध करते हैं तो ज्वेलर के ऊपर फायरिंग की जाती है, वो एक ज्वेलर की उसमें हत्या हो जाती है। कहाँ है कानून? जो लोग ये दम्भ भरते थे कि कानून का राज है, हमें तो कहीं नजर आ नहीं रहा। तो या तो सरकार की सह है इन लोगों को, और सरकार की सह नहीं है तो इतना बड़ा कोई आतंकी कोई लुटेरा कोई बदमाश नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो उसे गिरफ्तार नहीं करे, सरकार अगर उसे चाहे तो सारी घटना 1 मिनट में रुक जाए, लेकिन सरकार भी सोई हुई है, पुलिस प्रशासन मौन है। सर, चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वायदे किए थे और ये कहा था कि चुनाव के बाद अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो भय भूख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था और पारदर्शी व्यवस्था जनता को दी जाएगी। ये स्लोगन तो उन्होंने अच्छा दिया था, भय भूख और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन भय भूख और भ्रष्टाचार युक्त हो गई सरकार। आप देखिए भ्रष्टाचार हर जगह पर हो रहा है, सरकार कोई इनके अधिकारियों के ऊपर कर्मचारियों के ऊपर नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। भय का माहौल इतना है, आम आदमी अपने घर से बाहर निकलने से डरता है, पता नहीं कब कहां कौन किसी गोली मार दे। भूख तो आपको पता ही है, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, उद्योग धंधे बंद हो गए, नौकरियां हैं नहीं, युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। तो क्या दिया इस सरकार ने प्रदेश को और देश को? केवल खोखले वादे, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए नए वादे किए, नोटबंदी करके सदी का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया, आज तक देश की आर्थिक स्थिति से देश उभर नहीं पाया है उससे। 17 लाख करोड़ रुपए के नोट इन्होंने बंद कर दिए और उतने नोट छपवाए, उतने ही नोट उनको छापने में उतने पैसे और लगे। और कारण जनता से तो कह रहे हैं कि साहब हम भ्रष्टाचार बंद करेंगे, इसलिए हमने 1000 के 500 के नोट बंद किए, 2000 के छाप दिए, तो उससे भ्रष्टाचार और ज्यादा हो गया। और कुछ दिन बाद वो 2000 के बंद करने पड़े जब भ्रष्टाचार कहती हुई, तो पहले ही सोच समझ के निर्णय क्यों नहीं करते? मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए इस बात में कोई गुरेज नहीं है, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई योग मंत्री नहीं है या खुद में कोई दिक्कत है तो कांग्रेस के हमारे मनमोहन सिंह जी जैसे इकोनॉमिस्टों से इनसे राय ले ले, कांग्रेस तो जनहित में और देश हित में उनको उचित राय देगी। सर, राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीका रामजूली है, उनका साफ कहना है कि राजस्थान में पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है और मुख्यमंत्री बंजारा लाल गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, इसका नुकसान कहेंगे प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा। देखिए जब तक आप कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, जब तक आप वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे,
एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालेंगे नहीं, खुद ही सारी सरकार की सारी चीजों को सिर पर उसको घूमेंगे, कैसे राज चलेगा। निश्चित रूप से मैं जूली जी के बयान से सहमत हूँ, पूर्णकालिक गृह मंत्री होने चाहिए और उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि इन आतंकी घटनाओं पर, इन लूटपाट की घटनाओं पर, इन हत्या की घटनाओं पर रोक लग सके। अलवर के वार्ड 52 में जनकपुरी मंदिर के सामने सफाई बदहाल है, जबकि यहां अनेक लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चेत में सीवर के चैम्बर में से कई दिनों से गंदा पानी निकल रहा है, आसपास के लोग बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप सभी दोस्तों को दिखाते हैं कि जनकपुरी अलवर में सीवरेज किस तरीके से ओवर फ्लो हो रहा है। आगे सीवरेज पूरी तरह जाम है। स्थानीय नागरिक देशराज अरोड़ा जी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यह समस्या कब से बनी हुई है और इन्होंने किस किस को शिकायत की और कब पार्षद महोदय से मिले। हाँ जी देशराज जी, बताइए यह समस्या कब से बनी हुई है। ऐसा है, ये समस्या करीब 10 दिन हो गए। अच्छा, कई बार वहाँ आयुक्त साहब को बोल दिया है जी, नगर परिषद में पार्षद महोदय को भी बोल दिया है। नगर निगम बन गया है, नगर निगम बन गया है, लेकिन ये कोई सुनवाई तो है नहीं। नगर निगम बनने से क्या फायदा है, ये देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। बताओ, पास में मंदिर है, छोटे बच्चे भी मंदिर आते हैं, बुजुर्ग भी। आज जन्माष्टमी का पर्व है, देख लीजिए जनकपुरी शिव मंदिर में यह समस्या बनी हुई है। अलवर प्रशासन इस ओर ध्यान दे, मच्छर पनप रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी हो रही है। बताओ, निकलने का रास्ता तक नहीं है, महामारी फैल रही है, कई लोग तो बीमार पड़े होंगे अंदर, घरों में जाके देखो आप। ठीक है देशराज जी, वायरल फीवर चल रहा है, आपकी समस्या को हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार में वक्त हो चला छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। Thank you.
हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शाहजहांपुर में विद्युत निगम की पुरानी हाईटेंशन लाइनें आमजन के लिए खतरे का सबब बन गई है। शनिवार देर रात बारिश के चलते फौलादपुर सेना स्कूल के गेट पर हाईटेंशन लाइन टूटकर गिर गई। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को फोन किया लेकिन फोन रिसीव नहीं होने पर हाईटेंशन लाइन का जम्पर हटाकर विद्युत प्रवाह रोक दिया गया। ऐसे में गंभीर हादसा होते होते टला। उधर अगले दिन सुबह तक निगम का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। उसके बाद ग्रामीणों ने निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण दिनेश यादव, अनिल कुमार, मनीष भैरू यादव और मन्नू देव आदि ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हल्की सी आवाज चलने या बारिश होने पर तार टूटकर गिर जाते हैं। पत्रकार महोदय, ये लाइन काफी सालों से यहाँ से गई है, तो उस समय भी विरोध हुआ था इसका, और इस स्कूल के गेट के सामने पहले नंगे तार थे और इनका बार बार हादसे होने के चांस है। जैसे अभी गिरा है रात में भी, दो तीन बार पहले भी गिर चुके हैं तार, और बिजली विभाग को इसके बारे में संज्ञान दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं करता है। रात में भी फोन किया तो अभी तक सुबह उठाया इन्होंने 4-5 घंटे बाद, और ये इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि समय में हुआ हादसा 11 बजे। अगर यही हादसा दिन में होता तो ये स्कूल के गेट के बीच में है, या बच्चों का आवागमन रहता है, अध्यापकों को रहता है, तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, तो प्लीज इसके बारे में ध्यान दिया जाए। पृथ्वीपुरा में कल्लाजी राठौड़ के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ रहा है और बारिश में जमा पानी के मध्य भी श्रद्धालु दंडोती दे रहे हैं। यहां 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। वहीं बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। यहां मौजूद विक्की मीणा, देवेंद्र सिंह और रविंद्र आदि ने बताया कि स्कूल के सामने पानी जमा रहता है लेकिन इसकी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। यह स्थिति श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। गौरतलब है कि यहाँ 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन 24 अगस्त को आरंभ हुआ था लेकिन इससे पूर्व सड़क मार्ग की मरम्मत नहीं करवाई गई। वहीं 28 अगस्त की रात्रि को भजन संध्या एवं 29 तारीख को भंडारे के कार्यक्रम है। ग्राम भजीट स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भवन जर्जर हाल में है, साथ ही नए भवन के लिए भूमि की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके पीछे चिकित्सा विभाग, ब्लॉक खंड अधिकारी और यूआईटी की उदासीनता वजह है। बारिश के दिनों में तो यहां बैठना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने एक मकान में अस्थायी तौर पर व्यवस्था करवाई है। इस ग्राम पंचायत का क्षेत्र नगर विकास न्यास सीमा में आता है और इसलिए भूमि के आवंटन का हक मिलने में देरी हो रही है, जबकि प्रदेश मुख्यालय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत कर रखी है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय में सरकारी नाले पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है। ऐसे में पानी की निकासी और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हाईवे पर परशुराम धर्मशाला के समीप सरकारी नाले पर दुकानदारों ने पटाव करके अतिक्रमण कर लिया। ऐसे में उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। इसी वजह से रेलवे स्टेशन, सड़क मार्ग और सुभाष चौक पर बारिश का पानी जमा रहता है। वहीं राजमार्ग संख्या 44 पर दुकानदारों ने प्लास्टिक के पाइप और अन्य सामान डालकर अतिक्रमण कर रखा है। इसके अलावा जुगाड़ वाहन भी बेतरतीब खड़े रहते हैं और आए दिन सड़क मार्ग बाधित हो जाता है। मन में भक्ति और सच्ची श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, यह कहना है वृंदावन के आचार्य हरिओम दीक्षित का, जो मालाखेड़ा के ग्राम बड़ा में श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं।
यहाँ मनसा माता मंदिर प्रांगण में रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा हो रही है। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी कथा के दौरान मनाया जाएगा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पावटा स्थित शहीद चंद्रराम की तृतीय पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यहां सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे, साथ ही उनके परिजनों से मुलाकात की। गौरतलब है कि बीएसएफ में इंस्पेक्टर चंद्रराम पंजाब के फाजिलका में शहीद हुए थे। इस मौके पर पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, समाजसेवी पप्पूराम मीणा, प्रकाश चंद नाहर सिंह झा, सूरज प्रसाद मीणा, ताराचंद चौधरी, असलम शेर खान और अवधेश सिंह मौजूद रहे। हालांकि तृतीय पुण्यतिथि पर स्थानीय प्रशासन फिर बेखबर रहा। इस मौके पर सूबेदार के आर भाटिया ने बताया कि शहीद चंद्रराम देश की सेवा करते हुए कुर्बान हुए थे। सिविलियंस सभी अपना भाई प्रेम तरह बनाए रखे शुरू से ही, और शुरू से समझता रही है कि सभी हम गांव के अगर सहपाठी हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हो, सब भाई हैं, तो उस हिसाब से जो है मिल के रहना चाहिए और सबका सहयोग और जो करना चाहिए। भगवान से ही दुआ करूँ भाई, इनके इनके परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे, और ऐसे वीर पुरुष हमारे क्षेत्र में हुए जो देश की रक्षा करते थे, तो इनकी हमेशा भाई पूरे परिवार पे और सब पे देश की रक्षा करने वाले तो एक महान पुरुष होते हैं। तो भगवान से दुआ करता हूँ हमेशा कृपा बनी रहे। पावटा में शहीद चंद्रराम जी की आज तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई, जहाँ एसएसबी मौजपुर से एक आई है, अधिकारी आए हैं और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। यह एक देश का सौभाग्य भी था कि यहाँ के चंद्रराम जी ने बीएसएफ में इंस्पेक्टर रहते हुए देश सेवा के लिए शहीद हुए। आज उन्हें याद किया गया और गणमान्य जन भी मौजूद रहे। हम धन्यवाद देते हैं सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों को, उन्होंने यहाँ आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। मैं उदेश सिंह। जन्माष्टमी पर व्रत के चलते फलाहार सामग्री की खासी बिक्री हुई, ऐसे में फलों और मावे की मिठाइयों के दाम तेज रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र में अधिकांश फलों में 10 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी गई। इसके अलावा मावे की मिठाइयां अन्य दिनों के मुकाबले 30 से लेकर 80 रुपये प्रति किलो के अधिक दाम पर बेची गई। मालाखेड़ा बस स्टैंड सहित सुमेल, शामगंगा और कलसाड़ा सहित अन्य गाँवों में भी फलों की जमकर बिक्री हुई। उधर स्थानीय दुकानदार ने बताया कि जन्माष्टमी पर केले की खरीद 45 रुपए किलो रही और इसलिए केला 50 रुपए किलो बेचा जा रहा है। का त्यौहार है, इस टाइम साहब 45 रुपए किलो केला आ रहा है, 50 बिक्री में है। सेब 100 रुपए किलो बिक रहा है, अमरूद 40 रुपए किलो बिक रहा है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय सहित अन्य गांवों में भी जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर, जहाँ विष्णु भगवान बाल कृष्ण के रूप में अवतरित होने वाले हैं, उसके दिन लोगों ने, श्रद्धालुओं ने व्रत रखा, जहां जमकर फल फ्रूट की बिक्री हुई, खरीदारी हुई। वहीं मावे की मिठाई की भी जमकर बिक्री हुई है, लेकिन अन्य दिनों की भांति फल फ्रूट 10 रुपये प्रति किलो के दाम अधिक देने पड़े। इसी प्रकार से मावे की मिठाई के भी 50 रुपये से 80 रुपये प्रति किलो के अधिक दाम ग्राहकों को चुकाने पड़े हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा का भाव लोगों में देखा गया है। मैं उदेश सिंह, एटीएल न्यूज। और वहीं मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मंदिरों में सोमवार को जन्माष्टमी पर भजनों का दौर चला। यहां राधा कृष्ण मंदिर, ठाकुर जी, हनुमान जी और नरसिंह भगवान के मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे। आचार्य अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि इस बार अनेक शुभ संयोग बन रहे हैं, उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। अकबरपुर कस्बे के समीप कुशालगढ़ में जन्माष्टमी श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। यहां कन्हैया स्वीट्स परिवार की ओर से विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। साथ ही बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का स्वरूप धारण किया, साथ ही भजनों पर नृत्य भी किया। यहां मौजूद करणी सैनी, सौरभ और प्रीति सैनी ने बताया कि जन्माष्टमी पर उन्होंने उपवास भी रखा है, जिसे मध्यरात्रि को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद खोला जाएगा। कृष्णा भगवान जी का बर्थडे है और मैं राधा रानी मनी हूँ, और आज कृष्णा भगवान जी का जन्माष्टमी है। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में जन्म लिया था, और इस दिन उपवास किया जाता है। सभी भक्त बड़ी श्रद्धा से विधिवत पूजा करते हैं, रात के 12 बजे कान्हा जी को जन्म करवाते हैं, और उसके बाद में विधिवत पूजा करते हैं, पंचामृत से स्नान करवाते हैं, भोग लगाते हैं, और कान्हा जी के स्वरूप बना के बच्चों से हांडी फुटवाई जाती है।
और हांडी मतलब बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हो गया आज के जमाने में, सब बहुत इंजॉय करते इस चीज को। तो वैसे आज हम सब ने व्रत रखा है और ये कान्हा जी बनाए हैं, ये राधा रानी हमारी। अलवर जयपुर हाईवे स्थित कुशालगढ़ तिराए पर जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं जो दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही भरतरी धाम तक सड़क का यही हाल है, जबकि आगामी मेले को लेकर ध्वज यात्रा और दंडोती का दौर जारी है, लेकिन सड़क की जर्जर हालत श्रद्धालुओं के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। इस मार्ग से होकर जयपुर जाने वाले जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौन बने हुए हैं। कहने की बात तो यह है कि जो भरतरी बाबा का एक तो मेला चल रहा है और 10-12 दिन सिर्फ रह गए मेले में, और रोड सीधा अलवर से भरतरी जा रहा है पूरा ख़राब है, और यहाँ भी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है रोड की, हर जगह जगह खड्डे, थोड़ी सी रोड ही डाल के जाते हैं वो 2 दिन में निकल जाती है, फिर ख़राब हो जाता है। दुर्घटना की ज़्यादा दुर्घटना की भी संभावनाएँ हैं, और ये चौमासे का टाइम चल रहा है ना, इसमें पब्लिक ज़्यादा निकल रही है, भरतरी बाबा के मंदिर की भीड़ ज्यादा है, ये परेशानी हो रही है लोगों को। अकबरपुर में मुंडावर से आए संत बालकनाथ का स्वागत किया गया। इस मौके पर डीजे के साथ ग्राम परिक्रमा करवाई गई। वहीं भजनों पर नाचती महिलाओं ने पुष्प वर्षा भी की। श्रद्धालु सीताराम नैनीवाल ने बताया कि मुंडावर क्षेत्र के प्रभाती नाथ के शिष्य बालकनाथ अकबरपुर पहुंचे हैं। इस अवसर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा। ये संत आए हैं पहल मुंडावर से, इनके गुरु श्री प्रभातीनाथ जी ने कुछ समय पहले देह छोड़ी थी, उनके तत्पश्चात इनके ऊपर चादर डाली थी बाबा बालकनाथ जी ने, और उनके बाद जस्ट ये हमारे अकबरपुर में प्रोग्राम किया गया है सत्संग का एवं भंडारे का। इसमें पूरे गांव ने सभी बिरादरियों ने मिलकर के इनका बैंड बाजे एवं पुष्प वर्षा करके इनका स्वागत किया गया। सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा मंडल राजगढ़ की कार्यशाला कस्बे के एक निजी गार्डन में संपन्न हुई। मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित ने इसकी अध्यक्षता की। कार्यक्रम संयोजक प्रदीप शर्मा ने बताया कि कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा, सदस्यता अभियान की जिला सह संयोजक मीना सैनी सहित प्रदीप जैन, शिवलाल मीणा और प्रेमनाथ धामानी थे। जिलाध्यक्ष गुप्ता ने 1 सितंबर से आरंभ होने वाले सदस्य अभियान को सफल बनाकर अलवर जिले को प्रथम स्थान पर लाने की बात कही। वहीं सह संयोजक मीना सैनी ने देश में 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने जैसे विषयों पर चर्चा की। प्रत्येक बूथ से हमें 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है, और उस लक्ष्य को लेकर के हम प्रत्येक मंडल में कार्यशाला कर रहे हैं, और 31 अगस्त तक हमें प्रत्येक बूथ पर कार्यशाला करनी है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता पार्टी है, इसका कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता है और ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करता है। सदस्यता अभियान में अब सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएगा, इसी का आह्वान। श्री राम कला मंच नौगावा की बैठक का आयोजन बस स्टैंड से सनातन धर्मशाला के प्रांगण में किया गया। बैठक में राम कला मंच के प्रधान द्वारा गत वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, साथ ही सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन भी हुआ। इसमें प्रधान राजेंद्र सोनी और प्रधान जितेंद्र छाबड़ा, सचिव रमेश गुर्जर, कोषाध्यक्ष मुकुट गोयल रहेंगे। साथ ही अजय सैनी, पप्पू सैनी और ओम प्रकाश शर्मा को सदस्य चुना गया। 29 सितंबर से श्री रामलीला का शुभारंभ भी होगा। प्रधान राजेंद्र सोनी ने इस बारे में जानकारी दी। आगामी भगवान श्री राम की रामलीला हेतु सभी कलाकारों पात्रों के बीच विचार विमर्श किया गया, जो कि आगामी 29 सितंबर से 13 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा। रामलीला के अंतर्गत भगवान श्री राम की साज सज्जाओं सहित अनेक प्रकार की झांकियों की तैयारी की जाएगी, और बहुत ही विशेष प्रकार से श्री राम कला मंच द्वारा भगवान श्री राम के आदर्श मर्यादाओं का मंचन दिखाया जाएगा।
भाजपा के खेड़ली और भनोखर मंडल की संयुक्त सदस्यता अभियान कार्यशाला खेड़ली में आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची और मुख्य वक्ता कठुमर नगर पालिका अध्यक्ष शेर सिंह मीणा रहे। संयोजक पंकज कटारा ने बताया कि सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। मुख्य वक्ता शेर सिंह मीणा के अनुसार इस अभियान को हर बूथ और शक्ति केंद्र तक पहुँचाया जाएगा। बैठक में खेड़ली नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगढ़िया सहित सुनील गोयल, पंकज कटारा, कल्लाराम गर्ग, राजेश लोहिया, रवि अग्रवाल, महेश पाराशर और जगदीश आदि मौजूद रहे। बड़दोमेव में धर्मरत परिवार सेवा संस्थान द्वारा पंजाबी धर्मशाला में श्रीमद भागवत कथा करवाई जा रही है। इस दौरान ब्राह्मण भगवान की कथा सुनाई गई। आयोजन से जुड़े रामबाबू शर्मा ने बताया कि चतुर्थ वार्षिकोत्सव पर गोपाल जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजन हो रहे हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कथा के दौरान भूपेंद्र कृष्ण महाराज ने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन भी किया, साथ ही गोवर्धन पूजा का प्रसंग बताया। इस मौके पर झांकियां सजी और भजनों पर नृत्य भी हुए। इस मौके पर धर्मरत परिवार सेवा संस्थान अध्यक्ष भगवत शर्मा, अनिल शर्मा, रोहित गर्ग, सीताराम, सुनील कुमार और हरीश चौधरी आदि उपस्थित रहे। तिजारा विधायक महेंद्र बालकनाथ ने तिजारा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों के परिजनों से सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही एक डॉक्टर की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने मौसमी बीमारियों के निरंतर बढ़ोतरी को देखते हुए शेष चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की बात कही। इस मौके पर प्रधान जयप्रकाश यादव और व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हवली गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कुछ उपलब्ध थे भी, कुछ नहीं भी थे, लेकिन उनसे बातचीत की कि आगे से यहाँ पर उपलब्ध रहें। और हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं पहले भी देखी थी, आज भी देखी हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो जल्दी से काम पूरा हो और हमारे आसपास के लोगों को सुविधाएँ या उपलब्ध हों पूरी। एक दो चार दिन में हम मीटिंग भी करेंगे दोबारा से, पहले किया था, अभी उसी का संज्ञान लेते दोबारा करेंगे, जिसमें कि हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं उनमें अच्छी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हों, बेहतर व्यवस्थाओं के साथ में बेहतर उपचार हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले, इसके लिए हम प्रयास कर और जल्दी से उसमें परिणाम देखने को मिलेंगे। अलवर में पुलिस लाइन भैरुका चबूतरा क्षेत्र में सोमवार को बारिश के चलते सड़क पर पानी भर गया। यहां भवानी सिंह की गली में भी साफ सफाई नहीं होने के कारण यह स्थिति नजर आई। इन इलाकों सहित गायत्री मंदिर रोड पर जगह जगह अतिक्रमण से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही। ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की कलश शोभा यात्रा में शामिल लोगों को भी कठिनाई हुई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 50 महिलाएं हुई घायल। हरसोली में प्याज बुआई के लिए जाते वक्त हुआ हादसा। वहीं रामगढ़ क्षेत्र में टायर बदलते हेल्पर को ट्रक ने कुचला। चाकू से गला काटकर युवक को किया लहू लुहान। किशनगढ़ बास के नूर नगर में हुई घटना। जन्माष्टमी पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा और मंदिर में हुई सजावट। वहीं नवजातों को जनाना अस्पताल में दिए खिलौने। और समाज कंटकों का अड्डा बना अंधेरे में डूबा कंपनी बाग। संबंधित निकायों ने मूंदी आंखें। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवाड़ी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।